हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन है हमारा 73 सेशन वो कैप का। सो चलिए शुरू करते हैं, आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा एम का, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। सो मिटिगेट होता है हमारा किसी चीज़ के इफेक्ट को मॉडरेट कर देना, कम कर देना। जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो ये स्लैब्स खड़े हुए हैं, ये स्लैब्स सारे गिरने वाले हैं, इसने ऑब्स्टिकल लगाकर बाकी स्लैब्स को गिरने से बचा दिया, यानी कि इफेक्ट को मॉडरेट कर दिया। तो ये होता है हमारा टू मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के इफेक्ट को कम कर देना, मॉडरेट कर देना। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एल ए। एल ए भी क्या होता है, किसी चीज़ के इफेक्ट को कम कर देना, कोई चीज़ लेस सीवियर कर देना, टू मेक लेस सीवियर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बायगैमी। बायगैमी ऐसे कस्टम होता है जिसमें दो वाइफ्स या दो हस्बैंड हो सकते हैं। तो कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स, तो एक ऐसा कस्टम है जिसमें एक व्यक्ति की दो वाइफ और दो हस्बैंड हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट फिगर होती हैं जो हर चीज़ में आइडेंटिकल होती हैं। हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी पढ़ी थी, तो उसमें होता है कॉन्ग्रेंट एंगल को प्रूफ करते हैं, तो यानी कि आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि हर तरीके से आइडेंटिकल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एनाल्गेसिया। ये होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी कि ऐसी स्थिति में आ जाना जिसमें पेन को पेन फील नहीं होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी ऐसी एबिलिटी जिसमें आपको दुख तकलीफ महसूस नहीं होती है। सो हमारा मिटिगेट का परफेक्ट सिनोनिम क्या लग जाएगा, एल ए लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मॉलीफाई। सो मॉलीफाई का मीनिंग क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ को शांत करना। जैसे बच्चे ही रो रही है यहाँ पर, इससे दूध गिर गया है, तो इसकी मम्मी इसको शांत कर रही है, इसको काम डाउन कर रही है। तो ये होता है टू काम, टू पैसिफाई। ये हमने सारे सिनोनिम्स पढ़े हुए हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा नोटोरियस। नोटोरियस होता है हमारा इल फेमस, यानी कि जो किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस हो, famous for something bad, यानी कि किसी बुरी चीज़ के लिए famous हो। next word है मेरा pacify। pacify का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को शांत करना, to soothe, ये भी हमने इसका synonym पढ़ा हुआ है। next word है मेरा loath। loath का मतलब होता है hate, loathe, e वाला loath है ये। loath का मतलब होता है किसी से घृणा करना, और हमने एक और loath पढ़ा था जिसका मतलब आप हमें comment करके बताएंगे, loath। इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या था। यहाँ पर ई वाला लोथ है, इसका मीनिंग होता है टू हेट, किसी से नफरत करना, घृणा करना, टू डिटेस्ट। और एक वर्ड और है अभोर। अभोर का मीनिंग भी क्या होता है हमारा, किसी को हेट करना। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स होता है हमारा स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स की स्टडी करना डिटेल में, नोट्स कॉइन्स के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ कॉइन्स। सो हमारा मॉलीफाई का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, पैसिफाई लग जाएगा। और लोथ का आंसर बताना ना भूले, कमेंट में हमें आप बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक होती है कोई भी चीज़ जो मैसिव हो, ह्यूज हो, कोई भी लार्ज चीज़। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक स्लैब खड़ा हुआ है, तो ये एक ह्यूज मैसिव और कॉलोसल, ये इसके सिनोनिम है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, डेसिस्ट। डेसिस्ट का मीनिंग होता है हमारा, ये होता है परहेज करना, किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ से दूर रहना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एमिनेंट। एमिनेंट होता है मेरा वेल नोन और रिस्पेक्टेड, यानी कि कोई प्रख्यात हस्ती है जो बहुत ज़्यादा वेल नोन और रिस्पेक्टेड है, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा मैसिव. मैसिव इसका सिनोनिम लग ही जाएगा. लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का मीनिंग होता है मेरा टू एक्सेप्ट या फिर सपोर्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करना, सपोर्ट करना, किसी चीज़ को स्वीकार कर कर सपोर्ट करना. तो हमारा मोनोलिथिक का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, मैसिव लग जाएगा. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा फोर्थ वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मोरीबंद. तो मोरीबंद से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मुँह से मोरी बंद, यानी कि बंद, यानी कि डाइंग, ख़त्म. जैसे आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये है ना, और ये ख़त्म हो चुकी है, तो ये है डाइंग. Used about an institution, etc. No longer effective and about to come to an एंड कम्प्लीटली. तो इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ किसी, वैसे ही पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन या कस्टम के लिए होता है जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एंड पर पहुंच चुकी है. तो ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या है. पहला ऑप्शन हमारा इम्पैकेबल. इम्पैकेबल होता है मेरा त्रुटिहीन, यानी कि जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, यानी कि परफेक्ट, परफेक्ट फ्लॉलेस, वो भी क्या होता है मेरा त्रुटिहीन, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मोटिव. तो किसी भी चीज़ का मोटिव क्या होता है, क्या आप करना चाह रहे हैं, तो मोटिव का मीनिंग होता है हमारा पर्पस या रीज़न किसी चीज़ को करने का. तो जैसे आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उसका भी एक मोटिव है, एक पर्पस है, रीज़न है. क्या रीज़न है, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी है आपकी, तो ये एक रीज़न हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, इंडिजेंट. इंडिजेंट होता है हमारा पुअर और नीडी. ये होता है पुअर, नीडी, गरीब कोई भी. लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डाइंग. डाइंग क्या लग जाएगा, इसका सिनोनिम लग जाएगा. डाइंग मतलब एक्सपायरिंग, कोई चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, जो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वर्ड की ओर, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मोरोज. तो मोरोज बोलते हुए भी दुख सा ही हो रहा है, तो ये है भी ऐसा ही वर्ड. मोरोज का मीनिंग है ग्लूमी, सैड, बैड टेम्पर्ड, यानी कि दुख में, बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ. तो ये लग जाएगा हमारा ग्लूमी, सैड, बैड टेम्पर्ड. तो इसके ऑप्शंस क्या है हमारे, सुलिन. सुलिन का मीन्स भी क्या होता है हमारा, दुखी, सैड, सैड, और या फिर फीलिंग डिप्रेशन. जब आप दुखी होगे तो डिप्रेशन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, वो होता है ओमनीपोटेंट. हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स हो. नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोडिगल. प्रोडिगल होता है मेरा वो चीज़, ये होता है खर्चीला, जो एक्स्ट्रावेगेंट होता है. एक्स्ट्रावेगेंट भी इसका सिनोनिम है. एक्स्ट्रावेगेंट भी क्या होता है, खर्चीला, यानी जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, बेफिजूल खर्ची करता हो. इसको हम लिख देंगे हिंदी में खर्चीला. नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा विटी. विटी का मतलब होता है, ये होता है ह्यूमरस, यानी कि हास्यपूर्ण. जैसे कोई आपने तस्वीर देख ली या आपने कोई चुटकुला सुन लिया, तो उससे क्या होगा, आपको हंसी आ जाएगी, हास्यपूर्ण, ह्यूमरस. सो हमारा मोरोस का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, सुलन लग जाएगा. आप साथ साथ याद करते चलिए और नोट डाउन करते चलिए, ऐसे ही आपको वोकैब याद होगी. रिवाइज बहुत ज़रूरी है, रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लड़की बहुत दुखी है, सैड दिख रही है, तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मोर्टिफाई. तो मोर्टिफाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, शर्मिंदा होना. तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये व्यक्ति वैसे गंजा था, इसने विग लगा रखी थी, तो हवा की वजह से वो विग उड़ गई, तो इसको शर्म आ रही है, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है. तो ये होता है अबैश. हमने एक वर्ड पढ़ा था ए में, अबैश, उसका मतलब भी क्या होता है, किसी को शर्मिंदा करना, ह्यूमिलिएट करना. फिर टू एम्बैरस,
ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है हमारा इसका विंडिक्टिव. विंडिक्टिव होता है हमारा रिवेंजफुल. रिवेंजफुल यानी कि बदले, बदले की भावना, बदला लेना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमिलिएट. ह्यूमिलिएट का मतलब ही अपने आप में क्या है, अबैश यानी शर्मिंदा करना, टू एम्बेरेस. नेक्स्ट वर्ड है मेरा यूसर्पर. यूसर्पर क्या होता है, किसी की भी प्रॉपर्टी या जायदाद दूसरा कोई पर्सन जो हड़प ले गलत तरीके से. तो समवन हु ग्रैब्स अदर्स प्रॉपर्टी और टाइटल, यानी कि जो व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी या टाइटल को हड़प ले गैर तरीके से. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्क्रीच. स्क्रीच होता है रोने वाली आवाज़ में, जो चिल्लाना कहते हैं ना, जब बच्चे को पिटते हैं तो जैसे चिल्लाते हैं बच्चे, तो वो होता है क्राई आउट इन श्रिल वॉइस, यानी कि बहुत तेज चिल्लाना, रोते रोते चिल्लाना. तो हमारा मॉडिफाई का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, सिनोनिम लग जाएगा ह्यूमिलिएट. नेक्स्ट वर्ड, वॉट इज द सिनोनिम ऑफ मुंडेन. तो मुंडेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फीका, नीरस, डल, बोरिंग. इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, डल, बोरिंग, डल, बोरिंग. जिस चीज में इंटरेस्ट ना हो, लैकिंग इंटरेस्ट, लैकिंग और एक्साइटमेंट. तो कोई चीज़ अगर बहुत बार हो चुकी है, अगर हम कोई चैप्टर भी बहुत बार पढ़ चुके, तो वो हमारे लिए बोरिंग बन जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है. तो लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट. सो ऑप्शंस देखते हैं आप. पहला ऑप्शन है हमारा प्लूटोक्रेसी. तो प्लूटोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय रिच, गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी कि जिस क्लास के पास पावर है या फिर रिच जो क्लास है उसके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल वर्ड होता है जो जो चीज़ें जल्दी से आग पकड़ लें. थिंग्स विच कैचेस फायर ईजिली, यानी कि जो चीज़ें आग जल्दी पकड़ लें. नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, डल और बोरिंग. आप पिक्चर देख सकते हैं कैसा है ये, बोरिंग, बोर हो चुका है ये. लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैसेक्रे. तो मैसेक्रे हमने पढ़ा था, मैसेक्रे हमने ऐसे याद किया था, इसमें मास आ रहा है और एक्रे हमने समझा था किलिंग. तो मैसेक्रे होता है मास किलिंग, यानी कि एक बहुत सारे लोगों की हत्या करना. Killing of a large number of people. Killing of large number of people. यानी बहुत सारे लोगों की हत्या करना. तो हमारा मुंडेन का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, ऑर्डिनरी लग जाएगा. नेक्स्ट वर्ड, एट्थ वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मिनिफिकेंट. सो मिनिफिकेंट वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है. मिनिफिकेंट वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली जेनरस, जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, दूसरों की मदद करता हो, अत्यधिक उदार, यानी कि एक्सट्रीमली जेनरस. ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या है इसका, जर्मिसाइड. सो जर्मिसाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस जो जर्म्स को किल कर देता है. सो अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, यानी कि जो जर्म्स को मार दे, ऐसा कोई सब्सटेंस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंजी. फ्रेंजी होता है मेरा अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. तो ऐसी कोई स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, मान लो कोई पार्टी करने वाले तो एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा. सो ये होती है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि जो चीज़ नुकसान पहुँचाती हो. Causing damage or loss या फिर harm, यानी कि जो चीज़ नुकसान पहुँचाती है वो होती है मेरी detrimental. Last option है मेरा generous. generous इसका synonym लग जाएगा, एक और synonym लिख लीजिए magnanimous.
मैग्नानिमस, सॉरी मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब भी ये होता है अत्यधिक उदार। जैसे आप देख रहे हैं क्या है ये, डोनेट करने के लिए इन्होंने क्या बना रखी है, एक कंटेनर रख रखा है जिसमें ये पैसे भर रहे हैं। तो ये क्या है, अत्यधिक उदार, दयालु, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं। तो जेनरस इसका क्लोज मीनिंग लग जाएगा, सिनोनिम लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा नाइन्थ वर्ड, वॉट इज़ द सिनोनिम ऑफ मायोपिया। सो मायोपिया एक टर्म है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर साइंस पढ़ी होगी तो। मायोपिया में एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो हमने पिक्चर भी इसी अकॉर्डिंग लगाई है, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरे को दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिख रहे हैं। ये बीच वाली जो पिक्चर लगाई है ये है मायोपिक विजन, यानी कि पास की चीज़ तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर का झरना जो ये है वाटरफॉल, ये हमें ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा लैक ऑफ फोरसाइट। ये है, इट इज अ कंडीशन इन विच फार ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरी, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं आपको कैसे दिखाई देंगे, ब्लर दिखाई देंगे, एक आई की ये प्रॉब्लम है। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसका नियर साइटेडनेस, तो है तो ये मायोपिया और इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन लिखते हैं इसको क्या है, नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेड, ठीक है, यानी कि लिखते इसको शॉर्ट या नियर साइटेडनेस है। और है क्या इसमें प्रॉब्लम, क्या है, दूर के फार ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरी। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा एपिटॉम, एपिटॉम होता है किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट उदाहरण या एग्जांपल, डमी कह सकते हैं आप, स्टैचू कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक अच्छा परफेक्ट उदाहरण। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा बायलिंगुअल, बायलिंगुअल होता है जिस व्यक्ति को दो लैंग्वेजेस आती हो, बोलनी आती हो, लिखनी आती हो, हैविंग हैविंग नॉलेज अबाउट टू लैंग्वेजेस, जिसके जिसको दो लैंग्वेज के बारे में आता हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, माई नहीं आएगा, ये ऑप्शन है हमारा हाइपरोपिया या फिर हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, ये होती है फार साइटेडनेस, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स हमें ब्लर दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, फार साइटेडनेस, यानी इसमें जो हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर दिखाई देते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा नॉर्मल विजन है, इसमें दोनों चीज़ परफेक्ट दिख रही है, सही दिख रही है। मायोपिक विजन में क्या होगी, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे, फार ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो ब्लर दिखते हैं। और हाइपरोपिक में क्या दिखते हैं, इसमें पास के ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्लर दिखाई देते हैं। तो हमारा मायोपिया का क्लोज मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, नियर साइटेडनेस लग जाएगा, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ माइरीड। तो माइरीड में आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर रेड आ रही है, और रेड कहाँ मारते हैं, जहाँ पर बहुत सारा काला धन छुपा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे की बात आ गई है, तो माइरीड का मतलब भी क्या होता है, कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो, अ ह्यूज नंबर ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो माइरीड से याद रखना है, रेड कहाँ पड़ती है, जहाँ पर बहुत सारा काला धन होता है, जहाँ कुछ ज़्यादा है। तो माइरीड का मतलब भी क्या है, ह्यूज नंबर ऑफ समथिंग, हमने ये बहुत सारे ये पिक्चर लगाई है और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा है क्वांटिटी में। ऑप्शंस देखते हैं, कोअर्स, कोअर्स का मीनिंग होता है हमारा किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी पर दबाव डालकर कुछ करवाना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, यही लग जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि ये इसका सिनोनिम है, यानी कि किसी चीज़ का लार्ज नंबर, मल्टीट्यूड का मीनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एमनेशिया, एमनेशिया होता है मेरा, ये होता है लॉस ऑफ मेमोरी
ये होती है हमारी लॉस ऑफ मेमोरी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पाइटी. इम्पाइटी होती है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट या रिवरेंस, यानी कि किसी का अनादर करना. ठीक है, तो इम्पाइटी क्या लग जाएगा, किसी का अनादर करना, किसी का सम्मान ना करना. तो हमारा माइरेट का परफेक्ट सिनोनिम क्या लग जाएगा, मल्टीट्यूड लग जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग. तो माइरेट को ऐसे याद रखना है रेड की, रेड से. तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे. चलिए इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं. सो पहला वर्ड क्या है हमारा, मिटिगेट. सो मिटिगेट क्या है हमारा, डोमिनो इफेक्ट याद रखना है. मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ के इफेक्ट को मॉडरेट करना. एल ए इसका सिनोनिम है. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मॉलीफाई. ये होता है पैसिफाई, यानी किसी चीज़ को शांत करना. बच्ची रो रही थी, इसको चुप कराया. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मोनोलिथिक. ये होता है मैसिव, कोई भी चीज़ जो बड़ी हो, ह्यूज. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मोरीबन. ये होता है डाइंग. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मोरोज. मोरोज मतलब होता है सैड या ग्लूमी. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मॉर्टिफाई. मॉर्टिफाई होता है ह्यूमिलिएट या अबैश, किसी को शर्मिंदा फील कराना. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मुंडेन. ये होता है ऑर्डिनरी, जो लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट. पी का नीरस. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मिनिफिकेंट. मिनिफिकेंट का मतलब होता है जेनरस. यहाँ पर ही गलती से लिख दिया. ये होता है जेनरस. जेनरस मीन्स अत्यधिक उदार, जो दूसरों की मदद करता हूँ. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मायोपिया. मायोपिया होती है नियर साइटेडनेस, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है मेरा माइरिएट. माइरिएट्स को याद रखना है रेड से. रेड में बहुत ज़्यादा काला धन होता है. तो ये भी क्या है, जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो, मात्रा में हो, यानी मल्टीट्यूड. सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स. आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा. सो थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में.